बहुत दिक्कत। माशाल्लाह सभी नेता नगरी के लोग बैठे हैं, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन ये शेर दे रहा हूँ बल्जी, ये शेर आपसे और आपसे और अपने बड़े भैया से, आप भी सुने। ये मैं नहीं कह रहा, आप लोग कह रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों ने ये कह रखा है कि गलत फहमी डाल रखी है। अरे यार, बीजेपी सरकार से बेहतर तो कोई सरकार ही नहीं है। हकीकत लॉकडाउन में मैं जो पता है, लेकिन शेर दे रहा हूँ, जरा शेर सुने आप लोगों से। बापू ने जो बनाई वो तस्वीर नहीं है। कितने लाख लोगों को नौकरी है, क्या क्या चीजें हैं, राशन फ्री हो हो, ये देखिए। इससे पहले तो हम होश नहीं था, लेकिन हम अब देख रहे हैं। शेर सुनिएगा। बापू ने जो बनाई वो तस्वीर नहीं है, और नेहरू के भी ख्वाब की ताबीर नहीं है। योगी जी कह रहे हैं, हर कौम के रहने का यहाँ हक है बराबर, अरे भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। बहुत इरशाद भाई, जरा शेर तो सुनते जाओ यार, इतनी मेहनत कर रहे हो। ये अमित जायसवाल नकलू वालों की जानिब से, और चेयरमैन साहब क्या नाम लिया, दानिशपुर वाले, बहुत बहुत ये सुने सुने सुने। चेयरमैन साहब, जिसको मिलकर पूजे हिंदू, जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी कौम, अरे जिसको मिलकर पूजे हिंदू मुस्लिम सारी कौम, अरे सीधा करो तो अल्लाह बने, टेढ़ा करो तो ओम। बहुत मेरे भाई शेर दे रहा हूँ। मेरे दादा हुजूर, अच्छा दोबारा से शेर सुनो। घर सियासत के अंधेरों में उलझ जाओगे, ये मेरा दावा है। ये बंदिश आपको बहुत अच्छी लगेगी, या जितने मेरे हिंदू भाई बैठे हैं नेता नगरी से बिलोंग करने वाले हैं, मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। जितनी मेरी ऑडियंस बैठी है, तेरा शेर सुनना। शेर सुनते जाओ, है ना, शायद देखो रफीक, क्या ये, अच्छा रफीक मेंबर, बार्ड मेंबर, जान मोहम्मद, हम सबकी जानिब से। लेकिन जरा शेर सुनो। हेलो, घर सियासत के अंधेरों में उलझ जाओगे, मेरा दावा है बहुत रोगे पछताओगे, अरे मस्जिदें तोड़ दो, मस्जिदें तोड़ दो, भगवान ये कब कहता है, धाओ मंदिर ये रहमान कब कहता है, अरे बात तो जब है कि हर से मोहब्बत कीजिए, अरे कोई भी धर्म हो उस धर्म की इज्जत कीजिए, वरना बहुत बड़े भाई आपकी तो मुस्कुराहट मेरे लिए बहुत है। क्या नाम है, नाम क्या है, सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये प्रत्याशी जनाब,
सक्सेना साहब से करें। अच्छा प्रत्यांशु सक्सेना साहब, ये कहाँ है? हाय हाय, ओहो। और मैं अपने बड़े भाई से खास तौर से डीके गुप्ता साहब 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 अजीब बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन की डगरपन अल्लाह बहुत कठिन है डगरपन घट की बहुत कठिन है डगरपन। शेर किसने दी? अच्छा पीछे वालों ने बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह। शेर दे रहा हूँ। सोना कहे सुनार से, सोना कहे सुनार से कि उत्तम हमरी जात। सभी से सोना कहे सुनार से कि उत्तम हमरी जात। रणवीर भैया जरा शेर सुनो। ये काले मुंह की घूंची तुले हमारे साथ। राजेंद्र भाट साहब और सुन भाई जरा शेर सुनिएगा। सोना कहे सुनार से कि उत्तम हमरी जात। ये काले मुंह की घूंची तुले हमारे साथ। तू बोली घूंची मैं जंगल की लाकड़ी हूँ लालन की लाल। अरे काला मुंह जब से हुआ तुली नीच के साथ। तो गुरु नंदे ये कहे हबीब अरे हो जा गुरु के साथ वरना बहुत हिंदू मजहब के अंदर पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। सुनो आराम से। पत्नी अपने पति का नाम लेती है हिंदू मजहब में? नहीं लेती ना भैया। लेकिन मौजू तो बहुत पुराना है, खाका नया दे रहा हूँ। शायद आपकी सरजमी पे आज तक किसी ने ये चीज पेश ही नहीं करी होगी। अब आपको गुलाम हबीब का गीता भी पढ़ हुआ है तू? अल्लाह का करम है। शेर सुने ऊपर वाले का। श्री लखवल लखन सिया ने गंगा का छोड़ो तट। चाचा भस्मी लगाई शीस पर बांधे जटा मुकट। पहुंची वो चलते चलते किसी ग्राम के निकट। तो वैद्य ही की तरफ चली नारियां झपट। व्याकुल ग्राम वासनी सब प्रेमित हुई। दर्शन मुखार बिंद के पाकर चकित हुई। पूछा जनक दुलारी से कि तुम कैसे आई हो, जंगल में कैसे फिरती हो, किसकी सताई हो, किस बाप की हो पुत्री, किस माँ की जाई हो, किसकी वधु हो, चरणों में किसके समाई हो। तो बोली श्री शिया ना किसी की सताई हूँ, बल्कि वर्ण विचुर्ण स्वामी की सेवा में आई हूँ। पुत्री जनक की पृथ्वी माता की जाई हूँ, जिनकी वधू हूँ चरणों में उनके समाई हूँ। तो रिश्ते में चाचा वो बात पेश करके जा रहा हूँ, गर्दन काट देना। के रिश्ते में अरे टेबल लखन को पतला कर रह गई। अरे रखबर का नाम पूछा तो मुस्का के कह गई बहुत कठिन है डगर।
हनीफ खान साहब कहाँ हैं? हनीफ खान साहब बैठे हैं, जरा शेर सुनिएगा हनीफ खान साहब। बहुत कठिन है, शेर सुनो। हरम और देर के झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए, मोनू माली की जानिब से 100 रुपए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हरम और देर के झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए, जिसे हर तरह फुर्सत हो इस मैदान में आए। ये अपने बड़े भाई क्यूसर साहब, आपसे नजर कर रहा हूँ और आपके पीछे जो बैठे हैं, मुझे नाम नहीं पता आपका, लेकिन मैं शेर दे रहा हूँ। चाचा आप तो इस शेर पर भतीजे के सर पे हाथ रख कर आए, अपने शेर सुनिएगा जरा। बेटा जरा चाचा की तरफ से कुर्सी को हटा दो जरा। हरम और देर के झगड़े कहाँ तक कोई सुलझाए, जिसे हर तरह फुर्सत हो इस मैदान में आए। क्योंकि न इनकी मंजिलें सीधी, न इनका रास्ता सीधा, इधर पत्थर का पूजन है तो इधर है मतलब ही सजदा। ये है मंदिर का शहदाई, ये है मस्जिद का दिलदादा, इसे है स्वर्ग का लालच, ये है जन्नत का मतवाला। इधर भी राहों में चक्कर, इधर भी राहों में चक्कर, इधर काशी में है पत्थर, इधर काबे में है पत्थर, इधर पत्थर का पूजन है तो इधर पत्थर को बोसा है। समझ में कुछ नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है। इधर पंडित तकड़ते हैं कि वो काशी में रहता है, इधर है शेख जी नादा के वो काबे में रहता है। जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह, जैसे मस्जिद भीतर अल्लाह पर और ईश्वर कैद शिवालय में, हुजूर स्वर्ग पे कब्जा पंडित जी का और जन्नत अल्लाह वालन में। अरे राम की पड़ गई खींचा तानी, राम फंसे जंजालन में बहुत ही। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, ये आपने माला। विमल आजाद अटल सिंह जायसवाल चेयरमैन साहब की जानिब से ये काफी रुपए अदा हुए। बहुत अटल सिंह जी, माशाल्लाह आप लोगों के आशिक इजहार इतने हो, एक बार जरा ताली बजाओ यार। ये फिर मुझे नवाजा गया, ओहो, लेकिन मुझे भी मजा आ रहा है। जरा सुने सुने सुने। अच्छा रामकिशोर जी भी, रामकिशोर जी किधर हैं? रामकिशोर भैया बात अच्छी नहीं लगी है मुझे। कम से कम उठ के आइए आप एक बार। एक मिनट इधर आओ, जरा शेर सुनो। सीमा जी, ओहो सीमा जी, जरा शेर सुनिए। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। ये मेरे दादा कहते हैं, ये बंद में लगा रहा हूं, जरा सुनिएगा। जल से पतला कौन है चाचा, जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, यानी कौन अग्नि से तेज है, के काजल से काली। तू मिला जवाब, क्या मिला जवाब? जल से पतला ज्ञान है और पाप भूमि से भारी, यानी क्रोध अग्नि से तेज है, के काजल से काली। तू इसीलिए नजर चाप पर रखना है महफिल देखने वालों, यहां मंदिर पे खो जाते हैं मंदिर देखने वाले बहुत ही कम। आप सब लोग बैठे हैं, गुड्डू भाई कहाँ गए यार? गुड्डू भाई जरा, छोटा भाई आपका क्या कह रहा है जरा सुनो। भगवान ने पूरी दुनिया बनाई,
गौर से सुनना मेरी तरफ देखकर सब। भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, फूल पत्तियां समंदर जमीन आसमान सब भगवान ने बनाए। लेकिन लोगों ने, एक राइटर ने कहा ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको संपत्ति दे भगवान। लेकिन ये शेर सुनिएगा, हम भगवान को किसी चढ़ी चीज चढ़ा सकते हैं? झूठी चीज नहीं चढ़ा सकते, है ना, नहीं चढ़ा सकते। लेकिन जरा सुने, हम भगवान को झूठी चीज चढ़ाते हैं। सुनिएगा जरा, जितने सीट पर बैठे हैं, बड़े संभाल के साथ। वो कह रहा है कि पूछ मुझको, मैं कह रहा हूं कि सामने आ। वो कह रहा है कि पूछ मुझको, मैं कह रहा हूं कि सामने आ। अजब हैरान हूं भगवान तुझे कैसे रिझाऊं मैं, नहीं है कुछ चीज ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। तुम्हारी जोत से रोशन है सूरज चंद्र और तारे, ये कंधेर है अगर दीपक तुमको दिखाऊं मैं। अरे तुम ही मूर्तियों में व्यापक हो, तुम ही फूलों में व्यापक हो, तो भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। तुझे तो भोग धरना ये भी एक अपमान है तेरा, अरे खिलाता है अजमाने को तुझे कैसे खिलाऊं मैं। क्योंकि न सीना है न गर्दन है न पैरों है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण कहां चंदन लगाऊं मैं। ये सब कुछ जो करूं ना यानी जल जो चढ़ाऊं, ये सब कुछ जो करूं ना यानी जल जो चढ़ाऊं, तू कछ मछ पिया करे यानी सबसे पहले मछली मगरमच्छ पानी पीते हैं फिर भगवान पे चढ़ाते हैं। जल जो चढ़ाऊं तू कछ मछ पिया करे यानी दूध जो चढ़ाऊं तो बच्चा का जुटार है सबसे पहले भैंस का बच्चा पीता है, यानी दूध जो चढ़ाऊं तो बच्चा का जुटार है। मेवा मिष्ठान वामे माखी माचर मुंह डाल जाते हैं, यानी पत्र जो चढ़ाऊं तो वृक्ष की उजाड़ है। अरे एक ही वस्त्र नाथ तल पर एक चढ़ते, क्या से महाराज मोरी कोरी नमस्कार यही बहुत ही। राजू भाई मोबाइल वाले ताज मोबाइल शॉप, ठीक है, ये कौन है? दीशान भाई, तुम तो देख रहे नहीं हो मुझे, क्या नाम है ये? अटल सिंह जायसवाल, राम किशोर साहब, निहाल जायसवाल साहब, और ये अमित जायसवाल नकलू और राकेश जायसवाल। बहुत बहुत शुक्रिया जायसवाल जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोग सुने। लेकिन इन सभी का मैं बहुत बहुत, जो आपके पीछे बैठे हैं टीका लगा के, क्या नाम है? क्या नाम है? पितुल गुप्ता। शेर सुने पितुल गुप्ता साहब। बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत कठिन है डगर पनघट की। और चाचा शेर, आपका बेटा क्या कह रहा है? ये शेर नजर कर, बहुत कठिन है डगर पनघट की, यानी सिर फिरे लो हम वतन है। चाचा ये बात मैं हकीकत पेश कर रहा हूँ, मरने के बाद यानी हम लोगों इस सरजमी से कितनी मोहब्बत करते हैं, जरा शेर सुनिए। जो लोग मसीहा दे दवा भूल गए हैं मतलब के, मतलब के लिए यार वफा भूल गए हैं। लेकिन दर्द उल्फत की किताबों को भी रख लो पहले, और मोहब्बत की निगाहों को परख लो पहले। लेके दिल इश्क के कानून समझ लो पहले, तुम्हें कूचाए इश्क के दस्तूर नहीं मालूम, नहीं मालूम,
नहीं मालूम, नहीं मालूम मोहतरमा के बाद। लेकिन मेरे दादा क्या कहते हैं, ये दुनिया नहीं एक मंडी यानी पैसे की पगडंडी, हर चीज यहाँ पर बिकती है, हर चीज यहाँ पर सस्ती है, मुगलिस की यहाँ किस्मत बिकती, शान बिकती, शौकत बिकती, गली गली में अकबर बिकती, कदम कदम पर इज्जत बिकती, ऋषियों के व्याख्यान बिकते, पीरों के फरमाने बिकते, बाजारों में ईमा बिकते, ताबीजों में कुरा बिकते, मुल्ला बिकता, पंडित बिकते, साधु बिकते, पीर भी बिकते, मस्जिद बिकती, मंदिर बिकते, टकटे शंकर बिकते, गोरे बिकते, काले बिकते, मोहन के हाथ बिकते, माधव जी के पहले खुदा बेहतर है कि तू मरने में है वरना तुझको भी बेच डाले, मगर खैर तो ये है इनको तेरा पता नहीं प्रधान कृषि की जाने थे, लेकिन ये शेर मैंने आपसे कहा ये दो शेर पेश कर रहा हूँ, उसके बाद मोहतरमा ये लास्ट शेर दे रहा हूँ। साकी शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो, साकी शराब पीने दे मस्जिद से दूर दूर, अरे बोतल ही कहीं कहीं मुल्ला ना छीन ले, बोतल मुल्ला न छीन ले, भाई पिएगा या फेंकेगा ये हमें कुछ नहीं मा ऐसे बैठे सुन रहे हैं जैसे सुनते ही नहीं। ये शेर मैं आप ही से कह रहा हूँ, ये आखिरी शेर है चाचा जी, भैया जी, ऐसे बैठे सुन रहे हैं जैसे सुनते ही नहीं, अरे कैसे आके फेर ली के जैसे नहीं के लिए परेशान है ए सनम, और आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, नहीं मान करम नवा दिया, लेकिन कोई जाए नहीं, इंशाल्लाह भेजो करो, बड़ा मजा आएगा।
बहुत बहुत।